Allah, the most magnificent and most merciful. Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine and safe. This is your teacher, Mr. Simba sir. Today I am going to teach is English. Okay students, take out your English book and open book page number 11. ओके स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 11 ओपन कर लें। आज हम बुक वर्क करेंगे पेज नंबर 11 का। पेज नंबर 11 है अमीन एंड द एग्स, इसका बुक वर्क करेंगे हम। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, इसके आपने लिखना है सेंटेंस, आगे कंप्लीट करना है। यहाँ पे अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। चले राइट करें मैम के साथ। एग नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हैन नजर आ रही है। क्या सेंटेंस लिखेंगे हम इसका, इसको देखते हुए पिक्चर को। द एग्स विल हैच into chick means, यानी ये जो eggs बने हुए इनसे क्या निकलेंगे, chick यानी चूजे निकलेंगे। अब नीचे देखें, नीचे क्या नजर आ रहा है आपको पिक्चर में, एक शख्स बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बीज लगा रहा है। राइट करें इसके बारे में सेंटेंस, हम लिखेंगे द सीड्स, पिक्चर को देखते हुए हमने सेंटेंस राइट करना है। द सीड्स विल ग्रो इन प्लांट्स, क्या कर रहा है ये, बीज लगा रहा है जिससे के पौधे निकलेंगे। बीज ये लगा रहा है ताकि इससे पौधे निकलेंगे और बड़े होंगे पौधे। चले हम अपने नेक्स्ट वर्क पे आते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। पेज नंबर 13 में वर्क है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एमसीक्यू उसकी तरह राइट हुआ है, आपने टिक लगाना है। पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको देखते हुए टिक लगाएंगे। नंबर वन है, अमीन लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज, अमीन की जो फसलें थी जब हमने लेसन रीड किया था तबाह हो गई थी। क्यों तबाह हो गई थी वो, नंबर ए ऑप्शन था, समबडी स्टोल देम, क्या वो चोरी हो गई थी उसकी फसलें। बी देयर वाज टू मच रेन, या वहां बहुत बारिश हुई थी जो उसकी फसलें तबाह हो गई थी। सी देयर वाज टू लिटिल रेन, या वहां पे थोड़ी बारिश हुई थी। तो कौन सा सेंटेंस राइट है क्लास, सी वहां थोड़ी बारिश हुई थी। टिक लगाए मैम के साथ जी। अब नंबर टू पढ़े, क्या है नंबर टू में, अमीन लेफ्ट द विलेज बिकॉज, अमीन ने जो गांव है वो क्यों छोड़ा था। नंबर ए ऑप्शन है, ही डिड नॉट लाइक हिज वर्क, वो वहां काम नहीं करना चाहता था इसलिए उसने गांव छोड़ा था। ही वॉन्टेड टू लुक फॉर अ जॉब, क्या वो एक नई जॉब के लिए जाना चाहता था। नंबर सी, ही डिड नॉट लाइक द प्लेस एनी मोर, या उसे वो जगह पसंद नहीं थी जहां वो रहता था। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी He wanted to look for a job. वो किसी जॉब के सिलसिले में जाना चाहता था। नंबर थ्री छोड़ देंगे। अब नंबर फाइव देखिए, नंबर फाइव में है, Did Amin plant wild beans in his garden? क्या अमीन ने पौधे में क्या wild beans लगाए थे अपने गार्डन में? तो हमने क्या राइट किया था, नो, उसने wild beans नहीं लगाए थे अपने बाग में। चले हम अपने नेक्स्ट वर्क पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 15 ओपन करेंगे अब आप। पेज नंबर 15 पे वर्क है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द नेम ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, बुलॉक, कैमल, डंकी, एलिफेंट, हॉर्स, यहाँ पे एनिमल्स के नेम राइट हुए हैं। आपने इसको नीचे सेंटेंस के हिसाब से आपने फिल करना है कि किसमें कौन सा एनिमल का नेम आएगा। यानी आप पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आपको जो समझ में आएगा इसमें कौन से एनिमल का नेम आना चाहिए, उसके बाद आप उसमें राइट करेंगे। चले अब हम रीड करते हैं। ए द डैश इज यूज इन आ स्पोर्ट एंड द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स के स्पोर्ट है ये, खेल है जिसको खेलने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, बॉलक को, कैमिल को, डंकी को, एलिफेंट को या हॉर्स को। जी क्या ऑप्शन सही है हमारा, हॉर्स। ये ओलंपिक गेम्स के जो खेल होते हैं ये किस पर होते हैं, हॉर्स के ऊपर बैठ के खेला जाता है ये खेल। हॉर्स से ही ओलंपिक गेम्स का खेल खेला किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है हॉर्स को। नंबर बी है, द डैश वर्क्स इन फॉरेस्ट टू कैरी हैवी लोड्स, कौन से जानवर है जिसको जो जंगल में रहता है और उसके ऊपर बहुत भारी सामान रखा जाता है और वो काम करता है, यानी कि बहुत भारी सामान रख के हम काम करते हैं उससे, कौन सा है एनिमल वो, बॉलक, कैमल, टंकी, एलिफेंट। जी कौन सा समझ में आया जिसमें हम बहुत भारी सामान रख सकते हैं, एलिफेंट। राइट करें मैम के साथ, एलिफेंट है वो एनिमल जिसके ऊपर जंगल में रहता है वो और बहुत भारी सामान इसके ऊपर रखा जाता है। नंबर सी, द डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, कौन से यानी कि रेगिस्तान में कौन से जानवर को क्या जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कौन सा जानवर कहलाता है, बॉलक,
कैमिल, डंकी, बताएं कौन सा है एनिमल? कैमिल। राइट करें मैम के साथ, कैमिल।